महागठबंधन का ये वही समीकरण जो है इस समय बिगड़ता हुआ दिख रहा है। आप वैसी का वही फालतू बात करते रहते हैं, कौन फेरफार में है। यहाँ पर सब समीकरण, यहाँ भूमिहार समाज से लेकर के दलित, यहाँ कोई माय समीकरण का बात है? माय सब सब न एक है भाई जी। एमआईए माने से प्रभाव तो पड़ रहा है, कुछ ऐसा कह रहे हैं। हम एक बात बोले आपसे, बुरा नहीं मानिएगा, क्षमा कर दीजिए। गोपालगंज में थोड़ा सा शहाबुद्दीन जी के चलते इनको वोट आ गया। मैं झूठ फूस नहीं बोलता हूँ, एआईएमएम का कोई औकात मुराद नहीं है। गोपालगंज में शहाबुद्दीन जी के कारण, चूंकि उनको तकलीफ थी तो हो सकता है गलती हो गई हो हम लोग से, तो हम लोग उसको हमेशा सुधार कर लेते हैं। शहाबुद्दीन जी हम लोग के मित्र हैं, भाई रहे हैं, और उनका सम्मान पूरे हमारे मन में है, जीवन में है, उस पर कहीं कोई बात नहीं है। कि एआईएमएम जो हिंदुस्तान में महाराष्ट्र और अपने तेलंगाना में 9 सीट से ज्यादा लड़ने का औकात इसको नहीं है, इसको हम सीमांचल में इस बार औकात बताएंगे। दुनिया में एआईएमएम क्या होता है, समझ गए? एक गलती के कारण वो आ गए। एआईएमएम की कोई औकात नहीं है, और मुस्लिम लीग को जब मुसलमानों ने रपेट दिया, इस धरती से रपेट दिया था आजादी के वक्त, और पूरा देश मुसलमान खड़ा था हिंदुस्तान के साथ, पाकिस्तान जाने की बात नहीं किया, जब मुस्लिम लीग के मुसलमान नहीं हुए, बोला मैं सेकुलर हूं, लेफ्टिनेंट गवर्नर पाकिस्तान ने कहा अब्दुल हमीद को, मैं तुम्हें लेफ्टिनेंट बनाऊंगा, उसने कहा भारत का सिपाही रह करके लड़ेंगे, लेफ्टिनेंट नहीं बनेंगे। बिहार भर में जहां भी कुंडली में जितना लोग मरे थे, हम गए थे ना, सबको पैसा दिए थे ना जी। कि और कोई आया था? एक घटना घटी, मर्डर हुआ था तो हम गए थे ना, 3 घटना में। कोई मर्डर कोई घटना है कुंडली में जहां पप्पू यादव ना गया हो? जिस तरह से आप तो अब हमको मन में हमको कि आपने मियां मिट्ठू बन जाए तुरंत। सवाल उठाएंगे ना, वही सवाल मेरा जो कहना है कि जिस तरह से आप सक्रिय है, उस तरह से जब पार्टी सत्ता में है तो उस तरह से अन्य नेता भी सक्रिय हो। हम है ना, ये बड़ा सवाल है भैया, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। आप जितने हमारी विचारधारा की बात हुई, कौन सी विचारधारा? हमारा कम्प्लीट नीतीश कुमार महागठबंधन और कांग्रेस लालू यादव जी के कम्प्लीट ट्रस्ट में है, और हम अपील करते हैं एज एक वर्कर होने के नाते, हम बहुत अदना और छोटा आदमी हैं, कि हर यूथ को, हर साथियों को बीजेपी जैसी झूठा और फरेबी धूर्त दुष्ट को मजा चखाना चाहिए। इससे बड़ा मानवता विरोधी, इससे बड़ा इंसान विरोधी कोई नहीं है। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।